नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका। मैं हूं दिलीप जगवानी और आप मेरे साथ देख रहे हैं लोकसौ टीवी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जिले में नहीं है कोरोना वैक्सीन, स्वास्थ्य महकमा मौन, नए वेरिएंट को लेकर लोगों में दहशत। बेटी की वापसी के लिए CWC के खिलाफ प्रदर्शन कर रही मां गिरफ्तार। संजू त्रिपाठी हत्याकांड में पिस्टल उपलब्ध कराने वाले दो आरोपी गिरफ्तार। और जिला न्यायालय का हो रहा विस्तार, 7 मंजिला भवन को मिली मंजूरी, नए वर्ष से होगा काम शुरू। आइए खबरों को देख लेते हैं विस्तार से। देश में कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 के संकट के बीच राज्य सरकार ने जिले के स्वास्थ्य महकमे को अलर्ट रहने और वैक्सीनेशन तेज करने कहा है, मगर बिलासपुर जिले में वैक्सीनेशन उधारी में चल रहा है। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस खबर में। चीन, जापान सहित कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। भारत में भी कुछ मरीजों की पुष्टि हुई है। केंद्र सरकार इसे लेकर अलर्ट मोड में आ गया है। राज्य सरकार ने भी सावधानी बरतने निर्देश जारी किए हैं, लेकिन बिलासपुर के टीकाकरण अभियान को लग गई है किसी की नजर, क्योंकि बिलासपुर में कोविड टीकाकरण अब उधारी पर चल रहा है। दरअसल नए वेरिएंट को देखते हुए स्वास्थ्य महकमे को अलर्ट किया गया है, लिहाजा वैक्सीन और बूस्टर डोज लगाने का सिलसिला तेज कर दिया गया है। मगर बिलासपुर जिले की वैक्सीनेशन वाली गाड़ी को रायपुर में RTO ने जब्त कर लिया है, क्योंकि कागजात नहीं थे और ना ही गाड़ी रजिस्टर्ड थी। वैक्सीनेशन अभी सभी ब्लॉक में और जिला अस्पताल में वैक्सीनेशन चालू है। अभी हमारे पास कोवैक्सीन का डोज आया है, जिसको बूस्टर लगवाना है आराम से लगवा लीजिए। सर, ये गाड़ी जो वैक्सीनेशन लाती ले जाती थी वो रायपुर में सीज कर ली गई है। हाँ, उसका अब हमने कल सभी पत्र जो आवश्यक कागजात रायपुर भेजे हैं वो छूट के आ जाएगा। वैक्सीनेशन का दौर तो चल रहा है मगर उधारी में, क्योंकि गाड़ी जब्त हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले GPM और 3 दिन पूर्व मुंगेली से वैक्सीन मंगाई गई थी। इसमें भी केवल कोवैक्सीन ही उपलब्ध है, जिसका एक्सपायरी डेट 31 दिसंबर तक है। वहीं 12 वर्ष से ऊपर के बच्चों को लगने वाली कोमार्बिट का एक भी डोज उपलब्ध नहीं है। राज्य सरकार को चाहिए कि वो जिले को वैक्सीन उपलब्ध कराए, ताकि कोरोना के तांडव और हाहाकार से बचा जा सके। कोरोना का नया वेरिएंट BF.7 भारत में दस्तक दे चुका है, इसे लेकर केंद्र सरकार भी अलर्ट मोड पर आ चुकी है। स्टेट से भी लगातार स्वास्थ्य विभाग के तमाम जिला के स्वास्थ्य विभागों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। मॉक ड्रिल भी इसे लेकर होना है। बात करें टीकाकरण की, तो बिलासपुर जिले में फिलहाल टीकाकरण उधारी में चल रहा है। उधारी में इसलिए चल रहा है क्योंकि जो बिलासपुर जिले की गाड़ी थी वो अवैध रूप से चलाई जा रही थी, चूँकि उसका नंबर दूसरा था, RTO ने उसे जब्त कर लिया। और अब जो है बिलासपुर ज़िला उधारी के टीकाकरण में चल रहा है। फिलहाल बिलासपुर ज़िले में 550 कोवैक्सीन है, वहीं कोविशील्ड 0 है। इसके अलावा हम बता दें कि बच्चों को लगने वाली जो कोमार्बिट वैक्सीन होती है, जो 12 साल से ऊपर के बच्चों को लगाई जाती है, वो भी बिलासपुर ज़िले में नहीं है। ऐसे में कोरोना को लेकर सतर्कता अभियान जो चलाए जा रहे हैं और जो टीकाकरण और बूस्टर डोज को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिना वैक्सीन के कैसे इस पर अमल किया जाएगा। लोकसो टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। बोदरी नगर पंचायत के मुख्य नगर पालिका अधिकारी A1 का तबादला किया गया है। उन्हें नगर निगम बिलासपुर का जोन कमिश्नर बनाया गया है। अब उनकी जगह बोदरी नगर पंचायत का कामकाज भारती साहू संभालेंगी। CMO के बिलासपुर स्थानांतरण होने पर यहां विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष परदेशी ध्रुवंशी और पार्षद विजय वर्मा ने श्री A1 को 2 साल के कार्यकाल की लिए बधाई दी और उन्हें सराहना
करते हुए शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सीएमओ को शॉल श्रीफल भेंट कर उन्हें सम्मानित किया गया। इसी दौरान जनप्रतिनिधियों ने नवनियुक्त सीएमओ भारती साहू को बुके भेंट कर उनका स्वागत किया। से आया हूं, सभी का अध्यक्ष महोदय, सभी पार्षदों का, कर्मचारियों का सहयोग रहा, और कर्मचारियों कुछ लोगों का सहयोग नहीं रहा तो मैं उनको पनिश्ड भी किया, उस लोग मुझसे नाराज भी होंगे। आज इस कार्यभार रिमूवरित हो रहा हूँ नगर पंचायत से और नई जगह जा रहा हूँ, तो सरकारी प्रक्रिया है कि एक जगह से दूसरे के जाना। इस अवसर पर मैं हमारे कर्मचारियों को भी कुछ टिप्स देता हूँ कि अपने कार्य के प्रति जो लापरवाह रहते हैं वो काम पे लगे हैं, वसूली बढ़ाएं। नहीं, वसूली नहीं करने से मैं उनको पनिश किया था, आज उनको जो वेतन रोका भी था उनको रिलीज कर दिया हूँ। पूर्व सीमो साहब इक्का साहब का आज पदभार मुक्त हुआ और हमारे नया सीमो साहब का आज ज्वाइन हुआ, भारती साहू जी का। हमारे नगर पंचायत में आदरणीय सीमो इक्का साहब का बढ़िया कार्यभार रहा और सबको मिलजुल मिला के सब अच्छा कार्यकाल रहा। अब आप हमारे नगर पंचायत के विकास में हमारे इंजीनियर इक्का साहब सीएमओ का बहुत बड़ा योगदान रहा, जो कि अमृत मिशन योजना को लाने में भी बहुत भारी सहायता किए हैं। अब हमारी मैडम जी आई हैं, वो भी हमारे नगर पंचायत को और अच्छे विकास की ओर बढ़ाने के लिए हमारी सभी पार्षदों को मिलकर काम करेंगी, यही आशा और विश्वास के साथ आदरणीय इक्का साहब को विदाई देते हैं। उधर रेलवे परिक्षेत्र में कंस्ट्रक्शन कॉलोनी सार्वजनिक दुर्गा पंडाल के पास युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही डायल 111 की टीम मौके पर पहुंची और मुआयना कर इसकी जानकारी तार बाहर पुलिस को दी। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने शव के पास एक बैग से मृतक का आधार कार्ड, बैंक पासबुक, अंक सूची समेत तमाम दस्तावेज बरामद किए। प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर मृतक का नाम संतोष कुमार बताया जा रहा है, जो कवर्धा जिले के गंडई कला का रहने वाला है। बहरहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करने अस्पताल भिजवा दिया है। मृतक के वारिसान की पतासाजी में पुलिस जुट गई है। पुरी से योग नगरी ऋषिकेश जा रही उत्कल एक्सप्रेस के जनरल कोच में 7 किलो गांजा बरामद किया गया है। आरपीएफ ने जब्ती के बाद गांजा जीआरपी को सौंप दिया। मामले में जीआरपी ने अज्ञात तस्करों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर लिया है। टीम को जांच के दौरान 2 पैकेट में 7 किलो गांजा मिला है। हालांकि आरोपी पकड़ में नहीं आए हैं, लेकिन गांजा खपाने से पहले रोक लिया गया। जीआरपी ने 20B नारकोटिक्स एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया है। कल स्प्रे 1/84/70 के जनरल बोगी में लवारिस हालत में 2 पिट्ठू बैग कुल 7 किलोग्राम गांजा जब्त कर प्रस्तुत किया करने पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है, विवेचना की जा रही है, तलाश की जा रही है। CWC की कार्य प्रणाली और बच्ची की कस्टडी व दोषियों पर कार्यवाही की मांग को लेकर 3 दिनों से कलेक्ट्रेट के सामने धरने में बैठे प्रदर्शनकारियों को सोमवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बलपूर्वक कार्यवाही को लेकर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झूमाझटकी भी हुई। इससे पहले देर रात प्रार्थी की मां पर भी धरना खत्म करने का दबाव बनाया गया था। बिलासपुर में रहने वाली महिला ने अपने पति के खिलाफ नाबालिग बेटी से दुष्कर्म की शिकायत की है। मामले में पुलिस ने जुर्म दर्ज कर लिया है। शिकायत के बाद CWC ने बच्ची को अपने संरक्षण में ले लिया है। 2 महीने बाद भी महिला को बेटी की कस्टडी नहीं मिली है, जिसे लेकर विवाद गहराया हुआ है। प्रार्थी मां CWC की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रही है। समाज की महिलाओं और आप पार्टी ने महिला को समर्थन दिया है। हालांकि धरने में बैठे प्रदर्शनकारियों को सोमवार को एक बार फिर मनाने की कोशिश की गई, लेकिन प्रार्थी पक्ष, पुलिस और प्रशासन के बीच की बातचीत बेनतीजा रही। SDM के निर्देश पर आप पार्टी के लोगों सहित प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। 2 दिन से एक महिला अपनी बेटी को CWC से मांग करते हुए बैठी थी और महिला जो है कल रात को अपने परिवार के साथ चली गई और उसके समर्थन में आप पार्टी के कुछ लोग बैठे हुए थे अनावश्यक रूप से, तो प्रशासन ने इसको हटाने का आदेश दिया था, इसके तहत इनको हटाया गया है। किस तरह की कार्रवाई की गई है? अभी इनको अभी यहाँ से हटाया गया है, अभी अग्रिम कार्रवाई इनके ऊपर की जाएगी। गिरफ्तारी कर रहे हैं? अभी देखिए क्या जैसा प्रशासन की तरफ से निर्देश आएगा वैसी कार्रवाई इसमें की जाएगी। प्रदर्शनकारी बच्ची की कस्टडी माँ को दिलाने और दोषी पिता पर कार्यवाही की मांग पर अड़े रहे, जिसके बाद SDM के निर्देश पर प्रदर्शनकारियों पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है। इधर अब भी मां को उसकी बेटी की कस्टडी नहीं मिली है। अधिकारी बच्ची की कस्टडी को लेकर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं।
लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ नीरज शर्मा की रिपोर्ट। चकरभाटा के बिलासा देवी एयरपोर्ट में विमानों की नाइट लैंडिंग के लिए कार्य शुरू करने शासन स्तर पर स्वीकृति जरूरी है। 10 करोड़ से ज्यादा का कार्य कराया जाना है, जिसमें आइसोलेशन बे, ग्राउंड का ग्रेडिमेंट मेंटेन, फायर स्टेशन और पैरामीटर सड़क निर्माण के अलावा रनवे स्ट्रिप की चौड़ाई बढ़ाकर 280 मीटर करना शामिल है। इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। उधर एयरपोर्ट जनसंघर्ष समिति के सदस्यों ने 10 दिनों में काम शुरू करने पीडब्ल्यूडी कार्यालय के सामने धरना देने की चेतावनी दी है। शादी ब्याह के नाम पर होने वाली फिजूल खर्ची और गरीबों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को दूर करने अब सभी समाज के लोग सामूहिक विवाह पर जोर दे रहे हैं। मुस्लिम समाज भी अब इस तरह की गतिविधियों में लगातार सामने आ रहा है। रविवार को तालापारा के रमजानी हॉल में 8 जोड़ों का सामूहिक निकाह कराया गया। आर्थिक रूप से कमजोर वर वधू को यहां घर गृहस्थी बसाने के लिए जरूरत का सामान भेंट किया गया। इससे पहले समाज ने हेल्थ चेकअप कैंप और सुनते आम का भी आयोजन किया था। मुस्लिम जमात वर्षों से इस तरह के सामाजिक कार्यों को पूरी शिद्दत के साथ अंजाम दे रहा है। इस मौके पर दुल्हा दुल्हन के परिजनों के अलावा समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। 8 जोड़े जो है अभी निकाह के लिए हैं और हमारे पास सबसे एक और खुशी की बात है कि जिस बच्चे का आज एक निकाह हो रहा है उसकी जो है वालिदा वालिदैन का जो है निकाह 30 साल पहले यहाँ हुआ था, आज उसका बेटा भी यहाँ मौजूद है और उसका भी निकाह इस कमेटी द्वारा कराया जा रहा है। हमारा उद्देश्य जो है कि समाज में जो फिजूल खर्ची होता है उसको रोकना है और आवाम जो थोड़ा सा इकोनॉमिकल थोड़ा कमजोर होते हैं। कोविड मॉक ड्रिल से पहले बिलासपुर मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने जिला अस्पताल और सिम्स के कोविड वार्ड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उपकरणों सहित ऑक्सीजन सिलेंडर, पाइपलाइन और दूसरे चिकित्सीय उपकरणों की स्थिति की जांच परख की और तैयारियों का जायजा लिया। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 27 दिसंबर को राज्य के सरकारी अस्पतालों में मॉक ड्रिल करने का आदेश जारी किया है। 30 बेड हमारे पूरे आइसोलेशन बेड के तैयार हैं, उसका पूरा पहले जैसे प्रोटोकॉल के हिसाब से अलग से एंट्रेंस, अलग से एग्जिट है। सभी बेड पे ऑक्सीजन पाइप और ऑक्सीजन जो सिलेंडर है उसकी व्यवस्था कर ली गई है। जैसे ही कोई केस आता है तो हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आइए फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राज्यपाल के 10 सवालों का मुख्यमंत्री ने भेजा जवाब। इधर महामहिम ने कहा पढ़ने के बाद होंगे अध्यादेश पर हस्ताक्षर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर विश्वविद्यालय में प्रतिमा का किया गया अनावरण, राज्यपाल सहित अनेक लोग रहे मौजूद। प्रभु यीशु के जन्म लेते ही देश दुनिया के मसीही जनों में खुशी की लहर। विभिन्न आयोजनों के जरिए मनाया गया क्रिसमस का उत्साह। और बिल्हा रेलवे स्टेशन में रोकी जाए ट्रेन, आंदोलनकारियों ने की सांसद से मांग। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। संजू त्रिपाठी हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी कपिल त्रिपाठी को पिस्टल उपलब्ध कराने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सावन पाठक और मोनू उर्फ अभिषेक मिश्रा ने शूटर्स को पिस्टल उपलब्ध कराया था और घटना को अंजाम देने के लिए शूटर्स के साथ संजू त्रिपाठी की रेकी की थी। हत्याकांड में पुलिस ने अब तक 16 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। मुंबई, कोलकाता और अहमदाबाद समेत किसी भी बड़े स्टेशन से छूटने वाली ट्रेनें समय पर नहीं चल रही है। क्रिसमस के बाद अब नए साल के जश्न का माहौल रहेगा। इस महत्वपूर्ण समय में ट्रेनों को सही समय पर रेलवे नहीं चला पा रहा है, इसके कारण यात्रियों में नाराजगी है। अब यात्री ये भी पूछ रहे हैं कि रेलवे अफसर कब जागेंगे और कब ट्रेनें समय पर चलाई जाएंगी। लेट लतीफी से परेशान हाल यात्री रेलवे प्रबंधन को कोस रहे हैं। ट्रेन में सफर करने वाले यात्री ये मान रहे थे कि त्योहारी सीजन में ट्रेनों के परिचालन का जो है वो टाइम टेबल सुधार लिया जाएगा और यात्रियों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन स्थिति ठीक इसके उलट है। इधर शीतकालीन छुट्टियों के कारण ट्रेनों में यात्रियों को कन्फर्म बर्थ उपलब्ध नहीं हो रहा है। अवकाश के दिनों में लोग अलग अलग जगहों पर घूमने के लिए जाते हैं, इसके लिए उनके द्वारा पूर्व में ही रिजर्वेशन करा लिया गया है, लेकिन अब बाहर जाने वाले यात्रियों को कन्फर्म बर्थ नहीं मिल रहा।
दिल्ली, मुंबई, हावड़ा समेत दूसरे राज्यों में सफ़र करने वाले जो है यात्री जो हैं वो वेटिंग लिस्ट में चल रहे हैं, इससे उन्हें बेहद परेशानी हो रही है। जिला न्यायालय का विस्तार करने इसके बगल में खाली भूखंड पर 7 मंजिला भवन तैयार होगा। इसमें महिला पुरुष अधिवक्ताओं के लिए अलग अलग कॉमन रूम के अलावा बार, लाइब्रेरी और पक्षकारों के लिए सुविधाएं जुटाई जाएंगी। समय के साथ जिला न्यायालय में बढ़ता कामकाज और अधिवक्ताओं की संख्या को देखते हुए इसके विस्तार की आवश्यकता पड़ रही है। बगल में खाली जमीन पर 7 मंजिला भवन बनाने PWD ने प्रक्रिया पूरा कर लिया है। वर्क ऑर्डर मिलने पर नए साल जनवरी में ठेकेदार इस पर काम शुरू करेगा। विस्तारित नए भवन के ग्राउंड में लोअर और अपर फ्लोर में वाहन पार्किंग और ई सेवा केंद्र की सुविधा मुहैया होगी। चारों तरफ से खुली बिल्डिंग के तीसरे माले से बगल में नए कोर्ट भवन से आने जाने इसे जोड़ा जाएगा। PWD क्रमांक 1 आज कल में वर्क ऑर्डर जारी करेगा। इसके बाद जनवरी 2023 में निर्माण शुरू हो जाएगा। 7 मंजिला भवन के ऊपरी 3 माले में कोर्ट रूम बनाए जाएंगे। महिला पुरुष अधिवक्ताओं के लिए अलग बैठक व्यवस्था रहेगी। पक्षकारों के लिए वेटिंग रूम, बेबी फीड रूम और छोटे बच्चों के लिए बड़ा कमरा होगा जहाँ वो मनोरंजन करते समय बिता पाएंगे। टॉप फ्लोर में अधिवक्ताओं के लिए लाइब्रेरी की सुविधा दी जाएगी। 7 मंजिला भवन तैयार करने करीब 2 साल का वक्त लगेगा। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। केवल महिलाओं के लिए तैयार किया जा रहा बिलासपुर का पिंक स्टेडियम प्रदेश में नई पहल और देश के लिए मील का पत्थर बनेगा। इंडोर आउटडोर खेल के अलावा यहां जिम और डॉर्मेट्री की सुविधा रहेगी। शहर में चल रहे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में से ये एक है। बिलासा गर्ल्स डिग्री कॉलेज के पीछे खेल मैदान को पिंक स्टेडियम का नाम दिया है, जहां केवल महिलाओं के लिए खेल गतिविधियां संचालित होंगी। इंडोर स्टेडियम ग्राउंड फ्लोर पर बनाया जा रहा है, जिसमें बैडमिंटन, टेबल टेनिस, चेस और एक कॉमन हॉल की सुविधा होगी। इसके ऊपरी माले में मेडिटेशन हॉल बनाया जाएगा। सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक ओपन स्टेज इंडोर स्टेडियम के बगल से तैयार किया जाएगा। बाकी खुले मैदान में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल जैसी खेल सुविधा विकसित की जाएगी। इसका फायदा यहां कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं को होगा, साथ ही शहर की बालिकाओं को इसका लाभ मिलेगा। बिलासपुर में चल रहे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में से एक पिंक स्टेडियम छत्तीसगढ़ में नया प्रयोग है। संभवतः महिलाओं के लिए अलग स्टेडियम की सुविधा देश में कहीं और नहीं है। खास बात यह है कि यहां होने वाली महिला खेल गतिविधियों में निर्णायक और रेफरी महिलाएं होंगी। करीब 15 करोड़ की लागत से पिंक स्टेडियम तैयार किया जा रहा है, जो अगले साल मार्च अप्रैल तक पूरा किया जाना है। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। राजकिशोर नगर स्थित SLRM सेंटर तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क का निर्माण नहीं कराया गया था, जिसके कारण यहाँ जो है कचरा वाहनों को पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं परेशानियों को दूर करने निगम ने देर से ही सही अब जाकर CC रोड बनाने का काम शुरू किया है। आधे से ज्यादा काम पूरा कर लिया गया है। जल्दी ही वाहन चालकों को पक्की सड़क की सुविधा मिल जाएगी। ठंड का मौसम पूरे शबाब पर है और जैसा कि हम सुन रहे हैं, कोविड फिर से अपने नए वेरिएंट के साथ लोगों को चपेट में ले रहा है। हालांकि छत्तीसगढ़ में अभी इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन बड़े शहरों में जो है इससे बचाव का जो है उपाय तेज कर दिया गया है। यहाँ भी जो है स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर है, जैसा कि खबरों में हमने आपको बताया। तो सुरक्षा अपने हाथ, जैसा कि हम पहले भी आपसे अपील कर चुके हैं कि अपना ख्याल रखिए, घर के बुजुर्गों और बच्चों का विशेष रूप से आप जो है सेहत के उनका ख्याल रखिए और अच्छा और ताज़ा भोजन कीजिए। मुझे दीजिए विदा, नमस्कार।